सेंसेक्स में 2007 के बाद सबसे लंबी तेजी, सिर्फ 11 ट्रेडिंग सेशंस में निवेशकों ने कमाए 14,00,000 करोड़ रुपए। BSE सेंसेक्स ने लगातार 11 सत्रों में तेजी दिखाई है। यह 2007 के बाद तेजी का सबसे लंबा सिलसिला है। इस तेजी के बदौलत यह ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। सेंसेक्स पिछले 11 सत्रों में 4.63% चढ़ा है। इसमें 1.86% की तेजी सिर्फ बीते हफ्ते आई है। देश और विदेश से आने वाली पॉजिटिव खबरों से बाजार को सपोर्ट मिला है। इन्फ्लेशन में कमी आई है। मॉनसून की बारिश कम रहने के बावजूद एनालिस्ट चिंतित नहीं है। एनालिस्ट का कहना है कि दूसरी तिमाही के कंपनियों के नतीजे चौंका सकते हैं। पहली तिमाही में कंपनियों के नतीजे अच्छे आए थे, इसका स्टॉक मार्केट पर पॉजिटिव असर पड़ा था। मॉनसून की कम बारिश के बावजूद चिंता रही। चोला सिक्योरिटीज में इक्विटी एंड डेरिवेटिव रिसर्च के हेड धर्मेश कांत ने कहा कि दूसरी तिमाही के नतीजे चौंका सकते हैं। जो लोग इस फाइनेंशियल ईयर की दूसरी छमाही में अर्निंग्स से रिकवरी का अनुमान जता रहे थे, उन्हें अपने कैलकुलेशन में बदलाव करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, अगस्त में मॉनसून की बारिश बहुत कम रही, इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियां ज्यादा रहीं। पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था। इस तरह कंस्ट्रक्शन और इससे जुड़ी कंपनियों को एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया। अगर आप अगस्त के ऑटोमोबाइल के आंकड़ों को देखें तो सभी कंपनियों की सेल्स में उछाल आया है। इसीलिए दूसरी तिमाही में ऑटो, मेटल, इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। म्यूचुअल फंड्स कर रहे लगातार निवेश। घरेलू फंड्स अच्छा निवेश कर रहे हैं, खासकर म्यूचुअल फंड्स लगातार निवेश कर रहे हैं। इससे विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बावजूद मार्केट का सेंटिमेंट मजबूत बना हुआ है। अगस्त में म्यूचुअल फंड के SIP से होने वाला निवेश रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। उधर विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली कर रहे हैं। सितंबर में उनकी तरफ से मुनाफा वसूली की गई है। उन्होंने शेयर बाजार से 4,768 करोड़ रुपये निकाले हैं। इंडियन मार्केट्स का प्रदर्शन दुनिया में सबसे अच्छा। बीते 11 कारोबारी सत्रों में निवेशकों ने बाजार से 13.81 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। BSE के मार्केट कैप में आए उछाल से इसका पता चलता है। BSE का मार्केट कैप बढ़कर 523.41 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सिर्फ बीते हफ्ते में मार्केट कैप 2.46 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। इधर इस दौरान दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बाजारों के प्रमुख सूचकांक सीमित दायरे में बने रहे। बीते 11 सत्रों में अमेरिकी मार्केट के प्रमुख सूचकांक S&P और NASDAQ 100 में खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। जर्मनी के डैक्स का भी यही हाल। CAC में करीब 2% तेजी आई है। FTSE 100 4% चढ़ा है।